लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग लिब्रा। तो यस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो 2025 नया साल है, इसके आने से पहले आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो लिब्रा। ओके, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। सो लिब्रा साइन के लोग 2025 के आने से पहले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, पहला कार्ड है डिजायर। प्लेजर। यूनिवर्सल कनेक्शन। मीटिंग, आप किसी के साथ मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहां पता है एक ऐसी वाइब है लिब्रा, जो आप चाह रहे हो वो आपको चाह रहा है, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है, जिसे आप पाना चाहते हो वो आपको पाना चाहता है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे यहां पर ऐसी वाइब है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ड्रीम भी हो सकता है, जिस ड्रीम को आप फुलफिल करना चाहते हो वो ड्रीम दरअसल फुलफिल होना चाहता है, ऐसी वाइब है यहां पर। इंस्पिरेशन। हार्प है यहाँ पर, हार्प इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एंजल्स बजाते हैं बेसिकली इसे, यू नो, सो वो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर। एंड वी हैव फ्रेश स्टार्ट, ब्यूटिफुल। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर। फोकस, ब्यूटिफुल, फोकस। लिब्रा, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप कर रहे हो एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। ये नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए सेकंड चांस भी होगी। हो सकता है कि पीछे कोई अवसर आपने गवा दिया, कोई मौका आपने छोड़ दिया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, तो वही चीज़ घूम फिर आकर वापस लौट के आएगी और वो बेसिकली आपका एक नया स्टार्ट, एक नया चांस बनेगी। ओके, और ये जो नया चांस है इसका सीधा सीधा कनेक्शन है आपके टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ। इसमें आप रेनबो देख सकते हो। टैरो में रेनबो की जो ऊर्जा वो होती है वो टेन ऑफ कप्स में होती है। ओके, तो टेन ऑफ कप्स रिलेशनशिप्स, प्रेगनेंसी, न्यू होम, स्पिरिचुअल यूनियन, अपनी हायर सेल्फ, अपने आराध्य के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यस, ये जो फ्रेश स्टार्ट है आपका, इसका सीधा रापता है आपके टेन ऑफ कप्स से। आपको पहुंचना है उस कार्ड की ऊर्जा तक, और उस तक पहुंचने के लिए जो पहला पॉइंट है आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मुझे चीज़ जो पहले तीन कार्ड से, जैसे मैंने आपको कहा कि जो चीज़ आप चाह रहे हो लिब्रा ना, वो चीज़ आपको भी चाह रही है, बस इतना अपने दिमाग में भर लो इस बात को। ये जो थॉट है इसको अलाउ करो कि ये आपको गोलाई दे, आपको शेप दे, क्योंकि इसके इसको अगर आपने अलाउ कर दिया, इसके अलाउ करने से ही इतना कुछ आप अट्रैक्ट कर लोगे ना, जिसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इनर वर्क अगर आप बहुत इन सब चीज़ों में होना इन दिनों, इनर वर्क में बस एक चीज़ कि जो मुझे चाहिए वही चीज़ मुझे पाना चाहती है, जिसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है, यू नो, जो चीज़ मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ मुझे चाहती है। बस एक यही चीज़, इसको याद कर लो, इसको चैंट कर लो, इसके ऊपर मेडिटेट कर लो, इसके बारे में सोचो, बस ये आपका इनर वर्क है, क्योंकि इसी से ही जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ये आपकी मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट रेसिपी है बेसिकली। ओके, 2025 से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है,
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लिब्रा न्यू कनेक्शंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपके लिए एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते आने वाले हैं, आप कुछ बनने वाले हो, यू नो, जैसे यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप्स है जहाँ पर आपका, जैसे आप बुआ बन जाओ, आप मामी बन जाओ, आप चाची बन जाओ, आप यू नो, ऐसी ऐसे चीज़ें दिख रही है मुझे आपके लिए। इस चीज़ की आपके लिए नए रिश्ते दिख रहे हैं, नई रिश्तेदारी दिख रही है, नए नाम आपके फ़ोन में मुझे आप ऐड करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। ओके, और इन सब चीज़ों के मैनिफेस्ट होने से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पोजिशन लाइफ में बहुत सॉलिड हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो अपनी टीम में, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो अपनी न्यूज़ को। समहाउ इन रिलेशनशिप्स के इंक्रीज होने की वजह से जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी आप अमूमन महसूस करते हैं वो अब आप नहीं कीजिएगा। अब आपको इमोशनली एक सॉलिड एनर्जी महसूस होगी। यहाँ पर ब्लैक कैट जो है ये प्रोटेक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लिब्रा साइन के लोग ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए स्टैंड ले सकें। इसलिए नहीं कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हो, आप तो हो ही अपनी पावर में, लेकिन आप ये जैसे इस एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि जब कोई आपके लिए आवाज़ उठाए, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए कहे कि हाँ तू कह के तो देख इसको, मैं तेरे को देख लूँगा, यू नो, जैसे ऐसा कोई हक जताए आपके ऊपर कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा फ्रेंड है और तुम इसको कुछ नहीं बोल सकते, मेरे होते हुए तो नहीं बोल सकते। तो आई थिंक आप ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे लोगों की जो संगति है, जो रिलेशनशिप्स हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, जो आप पर हक जताएंगे कि हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते और सुनेंगे भी नहीं, और आपको बहुत ऐसे पावर महसूस होगी रिलेशनशिप्स की। ओके, बहुत सारी डिज़ायर्स भी आपकी कह लीजिए कि अलाइनमेंट में है यहाँ पर। ओके, खास करके कुछ ऐसी अलाइनमेंट्स जो फेम के बारे, फेम के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, इसमें स्टार की एनर्जी है। तो कुछ अगर लिब्रा साइन के लोग फेम, यू नो, फेम को ढूंढ रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी डिज़ायर मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। ओके, इंस्पिरेशन, आई थिंक ये मैसेज से ज़्यादा गाइडेंस का कार्ड बन जाता है आपके लिए। आपको कहा जा रहा है हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुनो, ये म्यूज़िक आपको और भी आपके सपनों के करीब होने की अनुभूति करवाएगा, उन इमोशंस में टैप इन करने में आपकी मदद करेगा। आपके लिए स्पेसिफिकली जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है हार्प, HARP, हार्प। ओके, आप इस इंस्ट्रूमेंट को गूगल करके इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट लिब्रा, इसी से ही हम यहाँ पर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। लिब्रा साइन के लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लिब्रा साइन के लोग गोल्ड भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोना। यहाँ बहुत गोल्ड की एनर्जी है, यू नो, गोल्ड, लिटरली गोल्ड ज्वेलरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लिब्रा। ओके, लेट्स सी लिब्रा साइन के लोग और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। लिब्रा, अगर आपके लोअर बॉडी में आपकी लेग्स, आपकी टांगे, आपको ऐसा लग रहा है बहुत वीक है, नाज, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता मैं, ज़्यादा चल नहीं पाता, पैरों में दर्द है, टांगों में दर्द है, बहुत वीकनेस अगर आपको लगती है, आई सम हाउ बिलीव आपको बैलेंस की जो एक्सरसाइजेज होती है ना वो करनी चाहिए, कि पहले एक टांग पर खड़े हैं फिर दूसरे टांग पर खड़े हैं, ऐसे ही फिर मतलब स्विच करते रहना। ये जो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, और ये 2025 के आने से पहले आपकी लेग्स में जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसे मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको एफर्ट तो ज़रूर लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपके लिए गुड हेल्थ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स। We have two of pentacles, knight of cups,
ace of cups, six of swords, and top of the deck की energy है strength card. Beautiful, infinity. मैंने जैसे कह पहले ही बोला आपको लिब्रा, मुझे सच में ये genuinely आपको ये मैसेज दोबारा से देना है ताकि आप समझें इस मैसेज की गहराई को. आपको जो चाहिए मेरी जान, आपको सब मिलेगा. ओके, आपको जो चाहिए ना, स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है तुम्हें सब मिलेगा. बस इसे एक चीज़ को घोल के पी जाओ कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे चाह रही है. आई नो मैं खुद को रिपीट कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड यही मैसेज लेकर आया है आपके लिए, और इसी से ही वो खुल जा सिमसिम वाली एनर्जी आपके जीवन में आएगी. ये जो थॉट है ये बहुत पावरफुल थॉट है इस समय आपके लिए. आपको इसे अलाउ करना होगा, आपको इस पर विश्वास करना होगा. ओके, सो यहाँ पर लिब्रा साइन के लोगों के लिए एक चीज़ जो मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ, करियर से जुड़ी हुई ऊर्जा है. और करियर में आप एक ऐसे स्थान तक, एक ऐसी पोजीशन तक मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप मैनेज कर रहे हो किसी इम्पॉर्टेंट वर्क को. आपके अंडर हो सकता है कुछ टीम हो, कुछ लोग हों, और आप उन्हें मैनेज करो. ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेस है क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल स्ट्रेस लेकर आता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये बढ़ती हुई जिम्मेदारी के साथ आ रहा है. ये नहीं है कि आप एक ही लेवल पर हो और उसी में स्ट्रेस बढ़ गया, ना. इसमें है कि आप किंग ऑफ कप्स तक पहुँचे और फिर स्ट्रेस बढ़ा, तो स्टेटस इंक्रीज हुआ, उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई और उसी के साथ स्ट्रेस इंक्रीज हुआ. लेकिन फॉर सम रीज़न ये अगेन बहुत हेल्दी एनर्जी है क्योंकि इसी स्ट्रेस के बाद जो अगला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स के बगल में है एस ऑफ कप्स. तो आप इसे एंजॉय कर रहे हो. ये ऐसा स्ट्रेस नहीं है जो किसी प्रॉब्लम के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, ना. ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो किसी भी काम को करने के साथ आता है. थकावट, जैसे किसी शारीरिक काम को अगर आप करेंगे तो थकावट लगेगी बॉडी को, जैसे वो एक स्वाभाविक सी बात है, राइट. सो मुझे आपके करियर में आप मुझे स्टारस अगेन करते हुए नजर आ रहे हो. अभी इस समय रीडिंग को सुनते समय आप जिस लेवल पर हो, इससे एक अगला लेवल मुझे आपके करियर में दिख रहा है. ओके, और अगेन यहाँ पर मेन पॉइंट है मैनेज करना. समहाउ अपने करियर में कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को मैनेज करने वाले हो, ऐसे लेवल तक आप पहुँचने वाले हो. ओके, जो लोग यहाँ पर लव लाइफ से के हवाले से रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक जो लोग रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में, आपको अपने रिलेशनशिप की एक हीलिंग साइड ज़रूर देखने को मिलेगी. पर्सन ओपन अप होगा आपका, अपनी बात भी रखेगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, और मुझे आपकी लव लाइफ स्मूथ चलते हुए नज़र आ रही है. बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि और रोमांस बढ़ेगा आपके रिलेशनशिप्स में. ओके, एस ऑफ कप्स है तो बहुत सारे आप गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये भी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ पल आपके पार्टनर के साथ आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं. कुछ स्पेशल डेट्स हो सकती हैं, स्पेशल ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं आपके लिए. लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो हैं यहाँ पर आपके लिए, तो मुझे पक्का दिख रही है कोई ना कोई मीटिंग, आपकी किसी आपके पर्सन के साथ मीटिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, इनकेस यहाँ पर सिर्फ आप अमूमन वैसे ही ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, और ट्रैवल ऐसी नहीं कि छोटी मोटी सिर्फ फन के लिए, इस जिसकी ये कोई बड़ी मूव है, किसी नए ठिकाने तक पहुँचना, किसी नई जगह तक पहुँचना. तो ये बड़ी मूव, घर मूव भी हो सकता है, कंट्री मूव के बारे में भी हो सकता है. आई थिंक डिवाइन आपको यहाँ पर उसकी एक अपॉर्चुनिटी देंगे. ओके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, बेसिकली कि आप रहोगे जहाँ पर हो आप वहीं पर रहोगे. इस चीज़ की उस काम को करने के लिए आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी. आप अपना काम निपटा कर फिर अपने घर वापस आओगे. कैसी वाइब है यहाँ पर. बट यस, अगर आप ओवरऑल देखें, बहुत सारा फोकस, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस और बहुत सारी हीलिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है लिब्रा. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. जो लोग अपने घर में, अपने घर का जो मंदिर है जहाँ आप भगवान जी के साथ कनेक्ट करते हो, ये मंदिर भी हो सकता है, ऑल्टर हो सकती है, पूजा घर हो सकता है, समहाउ इस घर की कोई रेनोवेशन या लुक्स में आप कुछ अगर तब्दीली करना चाहते हैं. मुझे स्पेसिफिकली फ्लोर दिख रहा है, तो फ्लोर चेंज हो सकता है, नया कारपेट हो सकता है, नई टाइल्स हो सकती हैं. ये चीज़ें बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, जिसके आपके पूजा घर का जो रूप है वो मुझे और सुंदर होते हुए दिख रहा है. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स.
Wow, we have snake healing. You are a healer. Libra, big revelations. ये रेवलेशन आपको बेसिकली एक बिग कन्फर्मेशन के रूप में दी जा रही है कि आप एक हीलर हैं लीब्रा. अगर आप एसोटेरिक करियर पाथ में कुछ भी करना चाहते हैं और आप कह रहे थे कि मेरे लिए है भी क्या ये पाथ, आपका आंसर है येस. अगर आप यू नो ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कुछ करना चाहते हैं, यू नो मेन जो मेडिसिन है हमारी, डॉक्टर, यू नो नर्स आपको बनना है, या उससे जुड़ी हुई कोई और मेडिसिन की स्टडी करनी है, यस यस यस, आप एक हीलर हैं. ओके, ये आपके लिए एक बिग कन्फर्मेशन का कार्ड है. वी ऑल्सो हैव मूव्स अथॉरिटी, यू नो वॉट इज बेस्ट फॉर यू. तो यहाँ पर जो लिब्रा साइन के लोग बिजनेस में हैं, आपके लिए बेसिकली ये मैसेज आ रहा है कि जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है वो है और अथॉरिटी, डिसीजंस लेने की पावर के साथ, ट्रस्ट के साथ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है. तो जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस में हैं, आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है. डाउट में नहीं झूल रहे आप, आपको पता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ ये सही है. ओके, वी ऑल्सो हैव सरेंडर, लेट गो ऑफ कंट्रोल, ऑटो स्पिरिट. ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है. अगर आपका जो घर है वो अभी सिर्फ वन स्टोरी हाउस है और आप उसको डबल स्टोरी करना चाहते हो, टू स्टोरी हाउस बनाना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी एक अपार्टमेंट है या फिर आप दूसरा भी एक और उसके साथ अटैच्ड हिस्सा खरीदना चाहते हो, तो वो मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. यू नो टॉल, मुझे से हाइट बताई स्पिरिट ने कि हाइट, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर हाइट. तो ये सेकेंड स्टोरी आप या तो बनाना, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है उसका, या फिर आप डबल कुछ ना कुछ खरीद सकते हो. ये अपार्टमेंट भी हो सकता है, कॉन्डो हो सकता है, टाउन हाउस हो सकता है, जो भी आपके एरिया में बेसिकली चीज़ें चलती हैं. ओके, इट्स जस्ट की डबल डबल की एनर्जी. ओके, ऑल राइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस लिब्रा साइन के लोगों के लिए. कुछ लोगों की अपनी मदर के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाली है. ओके, इनके साथ के मामा तारा भी बन गए हैं, तो ये बहुत ही ड्रीम स्टेट में हो सकता है, साइकिक तरीके से हो सकता है, बट आई डोंट नो, यहाँ पर मदर एनर्जी से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. कोई एक ऐसा लेसन जो आपकी माँ ने अपने जीवन में सीखा, वही लेसन वो आपको यहाँ पर आगे पास ऑन करने वाले हैं, वही चीज़ आपको आगे डिलीवर करने वाले हैं, ताकि आप उस लेसन को लगा कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें. सो मदर विजडम मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए. ओके, वी हैव इनोसेंस, पॉजिटिव आउटलुक. बच्चे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए. अगर कुछ लिब्रा साइन के लोग प्रेगनेंसी से डर रहे हैं, मत डरो, मत डरो. आपको कहा जा रहा है इसकी एक पॉजिटिव साइड को देखो. यू नो आई नो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है, पहले टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी. तो जितनी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसने काफ़ी डर भी पैदा किया है लोगों के मनों में, यू नो पेन के बारे में या फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं. लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है पप्पा की तरफ से कि इसकी पॉजिटिव साइड की तरफ ध्यान दो. ओके, इसकी पॉजिटिव साइड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. तो जो भी लिब्रा साइन के लोग इस जर्नी पर निकलना चाहते हैं, आपको बेसिकली हरी झंडी दिखाई जा रही है. बहुत फर्टाइल टाइम पीरियड आ रहा है आपके लिए, और आप मैनिफेस्ट भी कर रही हो प्रेगनेंसी को, बच्चों को, बच्चों से, बच्चे अपने साथ एक प्योरिटी लेकर आते हैं, इनोसेंस लेकर आते हैं. यू नो आपके जो जख्म होते हैं आपकी आत्मा के ऊपर, बच्चों के पास वो ताकत है उसे भरने की, तो वो सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं लिब्रा, और आपको सिंपली कहा जा रहा है उसे अलाउ करो. ओके, लेट्स सी और बप्पा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव एम्ब्रेस. आप 2025 से आने से पहले किसी बहुत एक स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ, एक स्पेसिफिक
टाइम पीरियड मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये जो टाइम पीरियड होगा ये बहुत इंटीमेट होगा। ये बेसिकली इसमें आप हो और आपके दोस्त हैं, और आपकी दोस्ती यू नो उसकी जो पॉजिटिव झलक है वो है। सो किसी फ्रेंड के साथ आपकी रीयूनियन हो सकती है, और इसको मिलने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये भी इससे रियलाइजेशन होगी कि आपने कितना जीवन में अचीव कर लिया है। सम हाउ इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ये महसूस होगा कि यस, मैंने कुछ तो उखाड़ा है ना जीवन में, यू नो। सो आप फ्रेंडशिप्स के साथ क्वालिटी टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या हैं। We have summer, bask in joy and a light. Abundance, बहुत सारी abundance. I don't know, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लीब्रा हैं जो किसी मनी को खर्च करने से डरते हैं कि ये मनी खर्च हो जाएगी तो फिर क्या होगा। आप जो भी मनी खर्च करोगे लीब्रा, वो और मनी के साथ रिप्लेस हो जाएगी, या फिर यहाँ से पैसा खर्च किया और वहाँ से कुछ उतनी ही अमाउंट में पैसा आ गया। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये ना अबंडेंस का मिराकुलस साइड है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे देखो मैंने वहाँ पर वो पैसे खर्चे थे और उतनी ही अमाउंट वापस लौट किया गया, ये तो बड़ी अचंबा वाली बात है, राइट। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। डेफिनेटली जो मेरे हीलर्स हैं यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, लव यू गाइज, लव यू सो सो मच। आप पूरे तरीके से रेडी हो अपनी हीलिंग अबिलिटीज़ को लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी मेडिसिन से लोगों को हील करने के लिए, अपने टैलेंट से लोगों को हील करने के लिए। तो एक्शन लो। ओके, आपके लिए क्लाइंट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, सोल ट्राइब मैनिफेस्ट हो रहा है लिब्रा, जो लोग यहाँ पर हीलिंग में कुछ करना चाहते हैं, हीलिंग पाथ में। ओके, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आप अपनी इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल कर पाओ, ऐसे टाइम मनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इतना पैसा जिससे आप अपने आप को भी संतुष्टि दे सको, कोई कुछ चीज खरीदनी है, कोई काम करना है, कोई चीज आप लेना चाहते हो अपने लिए, तो यस, आप टाइम एनर्जी मनी स्पेसिफिकली अपनी इमोशनल नीड्स की पूर्ति के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यस, कुछ लोग यहाँ पर मेकअप इंडस्ट्री में कोई कोर्स करना चाहते हैं, मुझे वो भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आप अपना कोई सैलॉन खोलना चाहते हो, आप अपने लिए कोई पहला क्लाइंट देख रहे हो जो आपके लिए पहली ब्राइड बन सके, जिसको आप मेकअप करो, सम यू नो आपका कुछ पहला फर्स्ट कि मेरे लिए कुछ पहला क्लाइंट बन जाए, मेरे लिए कोई पहली चीज़ बन जाए, ऐसा आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। फाइनल मैसेजेस और रीडिंग को फिर एंड करेंगे। Libra, okay, this one, we have Five of Swords, oh wow, Ten of Swords, beautiful, brilliant Libra, very good, 5 से energy सीधा गई 10 में, तो वो जो बीच का drama होता है वो spirit ने आपका skip कर दिया, तो कुछ चीजें यहाँ पर जो आपके लिए basically manifest हो रही है वो है आसानी, शब्द है आसानी, आसानी से हो जाने वाली चीज़ें, आसानी से फिनिश हो जाने वाली चीज़ें, आसानी से संपन्न हो जाने वाली चीज़ें, आप ये आसानी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लीब्रा। ओके, आप कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेरी गुड। यस, वी हैव द हायरोफॉन्ट नंबर 5, रिस्पेक्ट, नॉलेज, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, अरेंज्ड मैरिज की बरकत, शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कंग्रेचुलेशंस लीब्रा, कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत सुंदर आगाज़ आज की सीरीज़ का। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लीब्रा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर।
बाय।